पादपों का संसार। नमस्कार दोस्तों, मैं पौधमल हूँ। अरे, मेरा नाम सुनकर आप सब हंसने क्यों लग गए हैं? मेरा नाम ही कुछ ऐसा है, सभी हंसने लगते हैं। अगर आप नजर घुमाकर अपने आसपास देखेंगे तो लगभग हर जगह मेरे जैसे, मुझसे छोटे या मुझसे बड़े दिखने वाले मेरे बहुत से मित्र दिखेंगे। मुझे पता है कि लोगों के मन में हमें लेकर कई भ्रांतियां हैं, खासकर बच्चों के मन में, जैसे हम सजीवों की श्रेणी में आते हैं या निर्जीवों की। अगर हम जीवित हैं तो हम बढ़ते कैसे हैं, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं इत्यादि। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के पात्रों द्वारा दूंगा। चलिए, आपको नीलू और मीनू के घर लेकर चलता हूँ। वो स्कूल से घर पहुँच गई हैं और आंगन में खेल रही हैं। इस वीडियो के उद्देश्य है, एक, पादपों में पोषण, दो, पादपों में प्रकाश संश्लेषण। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? इस पेड़ के बारे में, कितना हरा हरा है ये पेड़, इसकी छाव में कितनी ठंडक मिलती है, कितनी ताजी हवा देता है। हाँ दीदी, वह तो है, इसकी पत्तियाँ भी कितनी हरी हैं। सही कहा नीलू। दीदी, माँ से पूछते हैं कि उन्होंने और पिताजी ने इतना बड़ा पेड़ आंगन में लगाया कैसे होगा। हाँ चलो चलते हैं। माँ एक बात बताओ, यह जो हमारे आंगन में इतना बड़ा नीम का पेड़ है, वह आपने और पिताजी ने कैसे लगाया था? अरे, इसे तुम्हारे दादाजी ने बहुत साल पहले लगाया था, तब ये एक छोटा सा पौधा रहा होगा। सच माँ? बच्चों, पादप हमारी ही तरह बढ़ते हैं। तुम लोगों को क्या लगा कि जो छोटे पौधे होते हैं वो छोटे ही रहते हैं, और जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमेशा से वैसे ही हैं? छोटे पौधे ही धीरे धीरे बड़े होकर पेड़ बनते हैं, पादप भी सजीव होते हैं। क्या सोच रही हो नीलू? दीदी, क्यों ना हम भी एक छोटा सा पौधा लगाएं? शायद फिर हम समझ सकें कि ऐसी कौन सी क्रियाएं पादपों में होती हैं जो उन्हें सजीव बनाती हैं। सही कह रही हो, ऐसा करते हैं, हम दोनों पौधे लगाते हैं। हाँ दीदी, एक मेरा और एक आपका। कल स्कूल से आते वक्त हम स्कूल के माली काका से दो छोटे छोटे पौधे लेते आएंगे। अरे वाह, दोनों बहनें कितनी खुश हैं। आज दोनों को अपना अपना पौधा जो मिला है, चलो देखते हैं कि कैसे ये इसकी देखभाल करती हैं। मैं पौधे को खिड़की पर रख देती हूँ। मैं अपने पौधे को यहाँ कमरे में संभाल कर रख देती हूँ। अरे नीलू देखो, ये नीम के पेड़ की पत्तियाँ कैसे भूरे रंग की हो गई है और पेड़ से टूटकर गिर गई है। हाँ दीदी, यह ऐसा क्यों है कि जो पत्तियाँ पेड़ पर हैं वो हरी हैं और जो टूट के गिर गई हैं वे भूरी और सूख गई हैं? ये पादपों की दुनिया भी निराली है। दोस्तों, क्या लगता है आप सबको कि दोनों यह पहेली कैसे सुलझाएंगी? अरे नीलू, वो देखो, माँ आंगन में लगे पेड़ों को पानी दे रही है। पेड़ों को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। चलो हम भी अपने पौधों को पानी देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेरे मित्रों को जिंदा रहने के लिए केवल पानी की आवश्यकता है? चलिए देखते हैं चार दिन बाद क्या हुआ है। अरे ये क्या हुआ, कल तक तो मेरा पौधा ठीक था, आज कैसे पीला पड़ गया है? अरे मेरे पौधे में तो कुछ छोटी नई पत्तियां दिख रही हैं। मेरे पौधे के साथ ऐसा क्या हुआ दीदी
जो ये पीला सा पड़ गया? सोचने दो जरा नीलू, तुम्हारे पौधे में इतना सारा पानी भी है। दीदी, आपने ही तो बोला था इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। नीलू, मैंने ये कहा था कि पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पौधे को पानी ही देते रहे। माँ भी आंगन में लगे पौधों को 2-3 दिन में ही पानी देती है। मैंने तो पौधे को रोज पानी दिया है। मुझे लगता है कि पौधे के पीले पड़ने का एक ये कारण भी हो सकता है। दीदी, जैसे हमें खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। शायद वैसे ही मेरे पौधे के साथ भी हुआ है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। नीलू, तुमने अपने पौधे को कहाँ रखा था? मैंने अपना पौधा कमरे में रखा था। कमरे में तो सूरज की रोशनी पहुँचती ही नहीं। दीदी, क्या सूरज की रोशनी पौधों के लिए आवश्यक होती है? हाँ, तुम देखो जिस तरफ से सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ रही है उसी तरफ ये ज्यादा झुका है और इसे ताजी हवा भी मिल रही है। इसका मतलब है पौधों को पानी, सूरज की रोशनी और ताजी हवा की आवश्यकता होती है, तभी हमारे आंगन में लगे पौधे इतने सुंदर और तंदुरुस्त दिखते हैं। बिल्कुल सही कहा नीलू। हवा से याद आया, मैंने अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि हम मनुष्य ऑक्सीजन नामक गैस सांस लेते वक्त अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। दीदी, याद है उस दिन तुम कह रही थी कि हमारा नीम का पेड़ कितनी ताजी हवा देता है? हाँ दीदी, हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो मतलब पेड़ भी ऐसे ही करते होंगे। हाँ, पौधों को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हालांकि जानवरों के विपरीत पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो उनके लिए आवश्यक होती है। अब समझ आया माँ ने आंगन में इतने पेड़ पौधे क्यों लगाए हैं? बिल्कुल दीदी, पादपों के बारे में सब कुछ समझ आ रहा है। इन पत्तियों को देखो तो लगता है इन पर हरा रंग किया गया है। आज ही मास्टर जी ने बताया था कि पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, तभी ये पत्तियाँ हरी दिखती हैं। चलो, कुछ तो मास्टर जी से पता लगा। सही कहा तुमने। दीदी, याद है आपको जब हमने माली काका से पौधे लिए थे तो उन्होंने गमले में मिट्टी के अंदर उसकी जड़ों को दबाया था? हाँ याद है, इसी वजह से तो पौधा सीधा खड़ा रह पाता है। हाँ दीदी, तभी से मेरे मन में जड़ों से जुड़ी जानकारी जानने की उत्सुकता थी, इसलिए आज मैंने मास्टर जी से जड़ों के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया कि जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व सोखकर पौधे तक पहुंचाती हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। ऐसे ही इन पत्तियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना तो जान लिया पौधों के बारे में, इन पत्तियों का रहस्य भी सुलझा लेंगे दीदी। नीलू, मेरी विज्ञान की पुस्तक में पादपों पर एक अध्याय है। आजकल मास्टर जी उसी पाठ से जुड़ी जानकारी देते हैं। उस पाठ में पत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी है। ठहर, मैं अभी अपनी किताब लेकर आती हूँ। जी दीदी, जल्दी से लेकर आओ और इस पहेली को सुलझाओ। नीलू सुनो, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है।
उस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाने का संश्लेषण यानी सिंथेसाइज करने के लिए होता है। इसीलिए पादपों द्वारा खाना बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दीदी जरा सोचो, इतने दिन से पादपों का निरीक्षण करते करते हमने इनके बारे में इतना कुछ जान लिया, ऐसा लग रहा है हम तो वैज्ञानिक हो गए। अब इस बात से ये पता चलता है कि पादप अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों को खाना बनाने के लिए पानी, सूरज की रोशनी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इसीलिए अब तुम अपने पौधे को कमरे में मत रखना। दीदी, अब मैं अपने पौधे का बहुत ध्यान रखूंगी। चलिए, दोनों बहनों ने हम पादपों के बारे में बहुत जानकारी एकत्रित कर ली है, लेकिन क्या आपको पता है अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, सभी पादप स्वपोषी होते हैं? सोचते रहिए, क्योंकि इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। पादपों का संसार भाग दो। बच्चों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। मेरे बहुत सारे पहलू हैं जो आपको अभी भी जानने की जरूरत है। पिछले वीडियो में आपने जीवित और अजीवित चीजों के बारे में सीखा था और ये भी सीखा था कि जीवित चीजों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आपने ये भी जान लिया था कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे स्वपोषण प्रणाली कहते हैं। इस वीडियो में हम अन्य दो प्रकार के पोषण प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आइए हम नीलू और मीनू के पास फिर जाएंगे पादपों के पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य दो अन्य पादप पोषण प्रणालियों के बारे में जानना है। नीलू, आज मैं बहुत थक गई हूँ। पुस्तकालय, विज्ञान कक्षा, खेल कक्षा और ऊपर से इतनी गर्मी, थोड़ी मेरी मदद करना। क्या चाहिए दीदी? याद है मैंने तुम्हें कल एक मीठा बन दिया था और डिब्बे में रखने को कहा था, क्या तुम उस डिब्बे को दे सकती हो? दीदी, उस बन को बाद में खाएंगे, पहले ये देखो मैंने जिस पादप को पानी दिया था वो कितना बड़ा हो गया है 10 दिन में। जल्दी आओ दीदी। अरे भाई, आ रही हूँ। वाह, ये तो सच में बहुत हरा और स्वस्थ लग रहा है। और बड़ी बड़ी पत्तियों को तो देखो, लगता है कि इसे बहुत धूप और बहुत सारा पोषण भी मिल रहा है। यह सही है कि पादप सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे खनिजों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। पता है, आज जब हम पाठशाला के पुस्तकालय में गए थे तो मैंने एक बहुत दिलचस्प पुस्तक पढ़ी थी, पादपों की दुनिया। उस पुस्तक में पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दीदी, ये तो हैरानी की बात है, क्या इनमें कोई पत्तियां नहीं होती? तुम सही कह रही हो, स्कूल की घंटी बज गई थी इसलिए पूरी जानकारी पढ़ नहीं पाई, लेकिन यह तो पढ़ा था कि इनकी पत्तियां नहीं होती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम मनुष्यों की तरह वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब पत्तियां नहीं होती हैं, तो कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक कहा तुमने। ये हैरानी की बात है कि हम पौधों और जानवरों पर अपने खाने के लिए निर्भर करते हैं,
परंतु कुछ ऐसे पादप भी हैं जो अपने पोषण के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाएंगे पहले। दीदी, क्या पढ़ रही हो? मैंने आज पुस्तकालय से पादपों की दुनिया नामक पुस्तक ली है। नीलू, यहाँ आओ और बैठो। इनमें पादपों के बारे में काफी रोचक तथ्य हैं। दीदी, हम कल उन पादपों के बारे में बात कर रहे थे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मुझे उनके बारे में और बताओ। देखो इस पादप को, ये कॉर्पस फ्लावर का पादप है। ये ऐसा पादप है जो अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर करता है। यह पोषण के विषम प्रणाली का उपयोग करता है। ऐसे पादप तो आलसी निकले। क्या ऐसे पादप परजीवी होते हैं? हाँ, कॉर्पस फ्लावर कसाटा जैसे पादप परजीवी हैं। इन पादपों को परजीवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे पौधे मतलब परपोषी या होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं और उनसे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये पादप काफी समझदार निकले। इनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, वे अपने मेजबान को नहीं मारते। उनसे भोजन, पोषक तत्व या पानी जो लेना है उनको। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि क्यों कुछ पादप जिनके हरे पत्ते होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं? दीदी, इस पादप को देखो, इसके तो हरे पत्ते हैं। ये उन पौधों की श्रेणी में क्यों है जो विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं? हाँ, यह एक अच्छा अवलोकन है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ते होते हैं, पर ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन क्यों? देखो इस पादप को। ये संरचनाएं तो जग की तरह दिख रही हैं। देखो, इस पर कीड़े हैं। ऐसे तो लग रहा है जैसे ये पादप कीड़े खाते हैं। इसे पिचर का पादप या घटपर्णी कहते हैं। ये कीट भक्षी पादप है। लेकिन इसके तो पत्ते हैं। ये तो अपना भोजन खुद बना सकता है। ये पादप कम पोषण वाले मिट्टी में उगते हैं और कीड़ों को बचाकर पोषण की कमी को पूरा करते हैं। इसका ये मतलब है कि कुछ पादप कीड़ों को खाते हैं। बहुत दिलचस्प है दीदी। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कल मीठा बन खाना भूल गई थी। क्या तुम ला सकती हो? ओह, मैं भूल गई। ये उस डिब्बे में है। मैं अभी आई। ओहो, ये खराब हो गया है दीदी। कुछ सफेद वृद्धि इस पर है और इससे तो बुरी गंध आ रही है। तुमने इस बन को एक गीले डिब्बे में रख दिया होगा। ओहो दीदी, याद है ऐसी सफेद वृद्धि को हमने एक बार आचार पर भी देखा था। माँ ने कहा था कि इसे कवक कहते हैं। अब मुझे याद आया। हाँ, इसे कवक या फंगस कहा जाता है। ये वास्तव में पादप है जो पोषक तत्वों को रोटी से ले रहे हैं। ऐसे पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। ये ऐसे पौधे हैं जो क्षयकारी पदार्थ या खराब हुई चीजों पर पनपते हैं। दीदी, ये आते कहाँ से हैं? ये वास्तव में हवा में मौजूद हैं। कोई जादू या चमत्कार से नहीं आ जाते। जब वे नम पदार्थों पर उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं। आज तो मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी खेलने जाऊंगी। बच्चों,
क्या आप सोच सकते हैं कि कवक किस प्रकार से क्षय हुए पदार्थ को खाते हैं? आपने इस वीडियो में दो प्रकार के पोषण के बारे में सीखा, विषमपोषी प्रणाली और मृतजीवी पोषण प्रणाली। इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें, क्या आप जानते हैं कि पौधों को उचित आकार और उचित मात्रा में बढ़ने के लिए सही प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है? अगर पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्याप्त रूप से ना मिले तो क्या होगा? उनका विकास रुक जाएगा। नाइट्रोजन सीधे पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसी भी समय मिट्टी में नाइट्रोजन या तो पौधे और जानवरों के अवशेषों में, अपेक्षाकृत स्थिर मिट्टी कार्बनिक पदार्थों में या जीवित मिट्टी के जीवों में, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जैसे रोगाणुओं में मिलता है। कुछ नाइट्रोजन मात्रा यूरिया में भी मौजूद हो सकती है, जो कि पौधों के लिए थोड़ा उपलब्ध हो सकता है। हम इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अलविदा। पादपों में पोषण भाग 3। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रही हूँ। क्या मनुष्य की तरह पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आवास और भोजन के लिए निर्भर होते हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के पात्र शंकर और संदीप की अध्यापिका ने स्कूल में पादपों के पोषण से संबंधित जानकारी दी थी। दोनों बच्चों के मन में ऐसे अनेक प्रश्न कुलबुला रहे थे। अध्यापिका ने उन्हें कवकों के ऊपर एक प्रयोग करने के लिए कहा था। वे दोनों इसी प्रयोग के बारे में बातें करते हुए स्कूल से घर की ओर जा रहे थे। देखते हैं उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और वे इन सवालों के उत्तर कैसे खोजेंगे। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क, सहजीवी संबंध की जानकारी, ख, उर्वरक और खाद की जानकारी, ग, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आज कक्षा में टीचर जी ने जो बताया, मैं घर में जरूर करके देखूंगा। डबल रोटी को गीली और गर्म जगह में छोड़ दूंगा। देखे तो सही कि कवक कैसा लगता है। वह देखो, रमेश काका अपने खेत में कुछ बो रहे हैं। चलो कुछ देर उनके पास पीपल की छाया में बैठ ले। नमस्ते रमेश काका। नमस्ते संदीप, कैसा रहा स्कूल का दिन? आज हमारी अध्यापिका ने हमें कवक यानी फंजाई के बारे में जानकारी दी। हमारी अध्यापिका ने बताया कि कवकों का खेती में बहुत बड़ा योगदान होता है। काका, मुझे लगता है कि पेड़ पौधे एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। क्यों, है ना संदीप? जैसे तुम मेरे बिना न तो कुछ खेलते हो, न कहीं घूमने जाते हो। सही कह रहे हो। वैसे पता है, कवक और पेड़ पौधों का रिश्ता भी दोस्तों जैसा है। शंकर, तुम्हें क्या लगता है कि कवक और पादप में भी दोस्ती संभव है? याद है संदीप, हमने पिछले हफ्ते वह मधुमक्खी का छत्ता देखा था। वाह, मधु के बारे में सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो याद है तुम्हें, हमने देखा था कि कैसे मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठकर उनके बीज यहाँ वहाँ फैला रही थी। हाँ शंकर, याद है। अरे हाँ, तो मधुमक्खी और फूल भी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मधुमक्खी अनेक फूलों से रस चूसती है और बदले में उनके बीज यहाँ वहाँ फैलाती है। याद है संदीप, हमने पिछले साल सीखा था कि इसे परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। वाह शंकर, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज निकली। आज स्कूल के पुस्तकालय से मैंने विज्ञान की एक किताब ली है, उसमें भी परागण के बारे में लिखा था और ये भी पढ़ा था मैंने
के कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। चलो हम उस किताब में ढूंढते हैं कि ऐसे और कौन से जीव होते हैं जो आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दोस्तों, आप भी सहजीवी संबंध के कुछ उदाहरण सोचिए। अध्यापिका ने आज कवकों का उदाहरण दिया और बताया था कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। क्या वे कवक वृक्षों की मदद करते हैं? सोचते हैं शंकर, देखो अगर कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं तो वृक्ष उनको रहने का स्थान देते हैं और जीवित रहने के लिए उनको पोषक तत्व देते हैं। तो फिर कवक बदले में क्या देते हैं? मेरे हिसाब से अगर कवक जड़ों में पाए जाते हैं तो वो जल और पोषक तत्व ग्रहण करने में वृक्षों की मदद करते होंगे। तो ये सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण है। यह इन पेड़ों पर क्या है? ऐसा मैंने अपने घर के पास वाले तालाब में देखा है। इसे काई कहते हैं। याद है संदीप, अध्यापिका ने बताया था कि यह लाइकेन होता है। चल किताब में से इसके बारे में पढ़ते हैं। वे दोनों किताब में लाइकेन की तस्वीरें ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पेड़ पर लाइकेन देखा है? ये देखो शंकर, ये रही, मैं पढ़ता हूँ। इन चित्रों से लगता है ये समग्र जीव होता है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। क्या इन दोनों का सहजीवी संबंध होता है? कवक शैवाल को रहने का स्थान, पोषक तत्व और जल देता है। और शैवाल वह क्या देता है? शैवाल हरे रंग का है। जैसे हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्या यह भी पादप जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाता होगा? कैसे पता लगाएं? किताब में देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो ये लिखा है, शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाकर कवक को देता है। तो हुआ ना यह सहजीवी संबंध। संदीप, तुझे याद है हमने भी अपनी कक्षा में रखे हुए गमलों में खाद डाली थी? हाँ शंकर, याद है मुझे। अध्यापिका ने हमें बताया था कि मिट्टी में पोषक तत्व पादपों के लगातार उपयोग करने के कारण कम होते जाते हैं और खाद डालने से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। गाय का गोबर भी तो एक उर्वरक होता है। पर गाय के गोबर की क्या विशेषता होती है? गाय का गोबर पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। संदीप किताब के पन्ने पलटता है और फिर वहाँ से पढ़कर कहता है, देखो इस किताब में लिखा है कि मिट्टी में मरे हुए जीव और पौधे सड़ते हैं और उन्हें सड़ाते हैं बहुत से सूक्ष्म जीव जो उनको खाते हैं। जैसे जैसे ये सड़ के मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। ये तो एक पूरी श्रृंखला है। पादप और अन्य सभी जीव अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से पादपों के पोषण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की होगी। इस पाठ में हमने सहजीवी संबंध और मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति के बारे में जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पशु, पक्षी, मनुष्य और पादप सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं?